तो एक बड़ी खबर आ रही है, हमीदिया हॉस्पिटल में अब मीडिया की एंट्री पर रोक। हॉस्पिटल की कमियों को छुपाने के लिए लगाई गई रोक। अग्निकांड के बाद खुल रही थी अस्पताल की पोल। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को किया तैनात, यानी मीडिया कर्मियों को अब पूरी तरह से हॉस्पिटल में रोक दिया गया है। हमीदिया हॉस्पिटल एक बड़ी खबर, पूरी मीडिया कर्मियों पर ही अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। अस्पताल की कमियों को छुपाने के लिए मीडिया को बाहर ही रोक दिया जाता है। तो मीडिया कर्मियों की अस्पताल में एंट्री पर अस्पताल परिसर में साहब डीन साहब का और अधीक्षक साहब का आदेश है कि गेट के अंदर आपको एंट्री ना होने दिया जाए। मीडिया बस मरावी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैं सुप्रिंटेंडेंट साहब और डीन साहब का आदेश है, हमारी ड्यूटी है सर आपको रोकना, प्लीज हम रिस्पेक्ट आपको बाय रेस्पेक्ट बोल रहे हैं सर कि आप गेट के अंदर बगैर परमिशन के ना जाए। अधीक्षक कौन है आप? अधीक्षक साहब मेरे को नहीं पता, आप पता कर सकते हैं, मुझे डीन अधीक्षक का आदेश है कि गेट से आपको अंदर ना आने दिया जाए। डीन का और अधीक्षक साहब दोनों का आदेश है कि वो आप उनसे परमिशन लेके आप फिर जाओ। इस चीज को लेके हमने भी यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारियों से सबको बोला कि मीडिया का पूरा फ्री राइट होता है अंदर आने और हर चीज को कवर करने का, उसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है तो सच में ये शर्मसार है। और हम आप पूरे मीडिया बंधुओं का सपोर्ट करते हैं इस चीज में, क्योंकि आप हैं जो सारे जनता को सच्चाई दिखाते हैं और इन चीजों को सबके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक